हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एक बार फिर स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल विकी इंडिया में। फ्रेंड्स, अगर दिल टूट जाए तो गम भुलाने के लिए अधिकतर लोग म्यूजिक या सैड सॉन्ग को जरिया बनाते हैं। अपने गम को कम करने के लिए आज हम आपको ऐसे सॉन्ग के बारे में बताएंगे जिसका दर्द आपको महसूस होगा और हो सकता है कि आप सुसाइड कर लें। शायद आपको इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, मगर दोस्तों यह बात बिल्कुल सत्य है। इसके कई पुख्ता सबूत भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ तक कि इस गाने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध तक लगा दिया गया है। ग्लूमी संडे नाम के इस दर्द भरे गाने को दुनिया का सबसे श्रापित गाना माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस गाने का नाम है ग्लूमी संडे। आज तक इस गाने को सुनकर 100 से भी ज़्यादा लोग सुसाइड कर चुके हैं। इस गाने को सुनकर लोग आखिर क्यों कर लेते हैं सुसाइड, ये रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इस गाने को किसने और क्यों लिखा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस गीत को हंगरी के रहने वाले रेसियो सेरिस ने 1933 में लिखा था और बाद में इस गाने का नाम बदलकर हंगरी सुसाइड सॉन्ग रख दिया गया। रेसियो सेरिस एक पियानो वादक और गीतकार थे। वो पेरिस में 1932 में कदम जमाना चाहते थे, मगर उनकी प्रेमिका को यह स्ट्रगल पसंद नहीं था। और दोस्तों कहा जाता है ना कि मोहब्बत रास नहीं आई, और इनकी प्रेमिका ने आत्महत्या कर ली। इनकी प्रेमिका की लाश के पास सुसाइड नोट मिला जिस पर सिर्फ दो शब्द लिखे थे, ग्लूमी संडे। बस फिर क्या था, रेसियो ने पियानो पर बैठकर प्रेमिका की याद के दर्द में गाना बना डाला और यह दर्द भरा गाना इतना फेमस हुआ कि कुछ भी कहना मुश्किल है। पर इसके फेमस होने के पीछे एक राज और था, और वो राज आपका दिल दहला देगा। इस गाने के जो भी कमज़ोर दिल वाले सुनते हैं वो सुसाइड कर लेते हैं। इस गाने के साथ कई मौतों का रहस्य जुड़ा हुआ है। हंगरी में इस गाने को सुनते सुनते एक महिला ने छत से कूदकर जान दे दी और एक लड़की ने गाना सुनते सुनते जहर खा लिया। ऐसे ही करीब 100 से ज़्यादा सुसाइड के मामले सामने आए थे, जिसमें खास बात यह थी कि इन सभी सुसाइड में लाश के पास इस ग्लूमी संडे सॉन्ग की कॉपी प्राप्त हुई, जिस कारण इस गाने पर 1941 में रोक लगा दी गई, जिसे बाद में 2002 में हटा दिया गया। दोस्तों, इस गीत को लिखने वाले रेसियो सेरिस ने भी आत्महत्या ही की थी। वर्ष 1968 में रेसियो ने एक बिल्डिंग के ऊपर से छलांग लगा के सुसाइड कर लिया। दोस्तों, हम इस गाने को अपनी वीडियो में लगा सकते थे, मगर हम किसी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आप चाहे तो इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम फिर आएंगे रहस्य से भरी जानकारी के साथ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें और हमारे चैनल विकी इंडिया को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत